पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मानसून ने दस्तक दे दी, अब सरयू धीरे धीरे खतरे के निशान के पास पहुंच रही है। हालांकि अभी भी सरयू का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन तेजी के साथ सरयू नदी में पानी बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ को लेकर भी निचले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों से अपील भी की जा रही है कि गहरे पानी में वहां स्नान करने से बचे। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू का जलस्तर मौके पर 91.580 सेंटीमीटर चल रहा है, जो चेतावनी बिंदु से 15 सेंटीमीटर लगभग नीचे है। मानसून के साथ पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से सरयू के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी मौके पर 9 बजे का जो 91.580 चल रहा है, जो कि वार्निंग लेवल से अभी 15 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है और खतरे के निशान से 1.15 मीटर अभी मौके पर नीचे चल रहा है जलस्तर सरयू नदी का। तो प्रतिदिन का क्या स्टेटस ये? अभी पहले तो 2-2, 3-3 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, अभी मौजूदा समय में 1-1 सेंटीमीटर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा कम हो गई है स्पीड। ऐसा है कि पहले तो ज़्यादा बढ़ी है, जो भारी मात्रा में बारिश हुई है पहाड़ों पर उसकी वजह से भी, और प्लस मैदान तराई क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है जिसकी वजह से पानी बढ़ा है और भरा से भी पानी छोड़ा गया काफ़ी मात्रा में। खतरे से निपटने के लिए क्या इंतजाम? खतरे से निपटने के लिए वही सब लोग इंतजाम किए हैं कि कोई नदी में इस तरह बिना लाइफ जैकेट वगैरह पहन के ना जाए, और भी प्रोटेक्शन वगैरह नदी पर नहाने के लिए लगाया गया है कि जिससे कोई उस तरह ना जाए नदी में। जल आयोग की तरफ से किस प्रकार के संदेश जो है? संदेश यही है कि मतलब लोग सुरक्षित होकर जाएँ, कहीं भी जाएँ अगर पानी में तो लाइफ जैकेट पहन के जाएँ। अगर नाव से भी जा रहे हैं सावधानी से, वैसे जाने लायक नाव से भी है नहीं इस समय, खतरा मतलब ज़्यादा है संभावना। सरकार प्रशासन को भी आपने कोई अलर्ट जारी किया? यही है कि मतलब अभी जैसे हम लोग यही मतलब बता रहे हैं कि भी वार्निंग लेवल के करीब पहुंच रहे हैं, कि उसी हिसाब से सावधानी से सब लोग अपना काम करें।